Hello, assalamu alaikum. Hello. Yes, ma'am. Assalamu alaikum. सबको लिंक शेयर कर दें. अच्छा, मैं आप लोगों के एक्सपेरिमेंट भी डाल रही हूँ. आप लोग देख रहे हैं एक्सपेरिमेंट? हेलो. 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 हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आप जी मैम आ रही है। लोग, मैंने व्हाट्सएप पे लिंक शेयर किया है. आप लोग बाकी, और ईमेल भी कर दी है, तो आप लोग बाकी लोगों को भी सर्कुलेट कर दें. अगर कोई नहीं है, हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं. अभी 5 स्टूडेंट्स आ गए हैं, अभी और आ जाएंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर शुरू कर देते हैं. We are going to study about today about oxidative phosphorylation and electron transport chain. ठीक है, तो ये हम डायरेक्टली इसमें जूम डिस्कशन में ही पढ़ेंगे. इसका मैं अपलोड कर दूंगी वीडियो, लेकिन डायरेक्टली अभी हम यहाँ पर देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा ठीक था, तो मैंने कहा इसको डायरेक्टली हम जूम डिस्कशन में पढ़ेंगे. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. इट इज मीन्स ओनली वन टॉपिक. इट इज यू कैन से ये जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ये एक ही टॉपिक है. ठीक है, तो ये इसको हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हैं. ये हम आगे देखेंगे. जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, कोई भी टॉपिक हमें पढ़ना होगा, जब पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले इसके हमें नाम पे फोकस करना है. अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लिखा हुआ है ऑक्सीडेटिव. अच्छा, एक सेकंड, में आप लोगों को पहले स्क्रीन पे शेयर कर दूँ. स्क्रीन पर मैंने शेयर ही नहीं की. एक सेकंड. हाँ, स्क्रीन शेयर हो गई है. हेलो जी, आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो गई है? नो मैम अभी हो गई है? यस मैम अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है. अब हम, हाँ, हम लोग आज पढ़ेंगे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. ये एक ही टॉपिक है. ठीक है, व्हाट इज, मैंने पहले भी आप लोगों को ये कहा था कि कोई भी टॉपिक हम पढ़ने जाएंगे तो हम उसके नाम को सबसे पहले फोकस करेंगे. तो यहाँ जो हम अभी आज टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसका क्या नाम है? सबसे पहले ये हमारा लेक्चर नंबर 16 है. ठीक है, और टॉपिक है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, जैसे इसके नाम से क्या पता चल रहा है, ऑक्सीडेटिव मीन्स मीन्स ऑक्सीडेशन. ठीक है, एंड फास्फोराइलेशन मीन्स ऑक्सीडेशन. क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, एंड फास्फोराइलेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ अ फॉस्फेट ग्रुप, और यस, एडिशन ऑफ अ फॉस्फेट ग्रुप इन अ प्रोटीन सब्सट्रेट और नॉन प्रोटीन सब्सट्रेट इज अ फास्फोराइलेशन. तो जिस तरह इसके नाम से हमें, यहाँ टॉपिक के नेम से हमें पता चल रहा है कि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, तो इसका मतलब है कि सम हाउ इस इन दिस टॉपिक में हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या होगा, कुछ रिएक्शंस होंगे या कुछ कोई भी प्रोसेस हो रहा होगा जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा होगा एंड फास्फोराइलेशन हो रहा होगा. ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि दिस टॉपिक इज अबाउट ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेटिव रिएक्शन और फास्फोराइलेशन. इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी कि व्हाई वी आर मींस व्हाई इसको मैं बाद में वो करूंगी कि व्हाई ये जो है टॉपिक को हम क्यों ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं,
बस आप लोगों को माइंड में ये रखना है कि हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसमें कुछ ऑक्सीडेशन के बारे में और फास्फोरिलेशन के बारे में एंड इलेक्ट्रॉन फास्फेट चेन, इससे क्या पता चलता है कि कोई हम कुछ पढ़ेंगे इस लेक्चर में जिसमें इलेक्ट्रॉन की किसी चेन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना पहले आप लोग को माइंड में रखना है, फिर हम अभी आगे चलते हैं। व्हाट इज दिस ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन एंड व्हाट इज दिस इलेक्ट्रॉन फास्फेट चेन। तो ये दोनों टॉपिक है, हमें इन दोनों टॉपिक को समझने के लिए, मीन्स इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो जो कुछ हम लोग अभी पहले प्रीवियस लेक्चर्स में अपने साइकिल्स पढ़ चुके हैं, ग्लाइकोलाइसिस, साइकिल साइकिल एंड ये हम साइकिल्स पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो व्हाट इज दिस सेलुलर रेस्पिरेशन, एक्चुअली सेलुलर रेस्पिरेशन इज अबाउट ऑल दीज साइकिल्स दैट हैव वी बीन स्टडीड ड्यूरिंग आवर प्रीवियस लेक्चर। इन दैट क्या होता है कि एटीपी सिंथेसाइज होती है, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें सेल एटीपी को सिंथेसाइज करता है एंड देन यूज करता है एटीपी को टू गेट एनर्जी। तो हमने कौन कौन से वो मेटाबॉलिक पाथवेज पहले पढ़ लिए हैं जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हम यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमने पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस जिसमें एटीपी प्रोड्यूस हो रही थी, ठीक है। हमने पढ़ा था सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है, पीसीएस साइकिल और क्रैब्स साइकिल, ठीक है। इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एटीपी प्रोड्यूस हुई थी, ठीक है। तो ये दो पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि एटीपी प्रोड्यूस करते हैं और हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। और एक दूसरा पाथवे है जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसको हम ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कहते हैं। दिस इज द मेन पाथवे ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन जो कि प्रोड्यूस करता है एटीपी। तो व्हाट इज दिस सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें जो बॉडी में बॉडी के जो हमारे सेल हैं उन सेल में डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एनर्जी व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी, what form of energy, ATP, energy in the form of ATP, ठीक है। तो मैं पहले well discuss कर चुकी हूँ कि ATP को energy क्यों कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ATP में high energy bonds होते हैं जिनमें energy कन्वर्ट होती है। तो हमारी जो cell होता है उसमें तीन pathway होते हैं, glycolysis है, एक citric acid cycle है, Krebs cycle है और एक है electron transport chain। जिस इन पाथवेज के ड्यूरिंग इन पाथवेज एटीपी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं। सो जब हमारी बॉडी के सेल वाया द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, वाया द प्रोसेस ऑफ क्रैब्स साइकिल, वाया द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिंथेसाइज एटीपी, सो वी से दैट दिस इज अ सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। अब हम ग्लाइकोलाइसिस कर चुके हैं, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, हमने ग्लूकोज, मैं आप लोगों के लिए दोबारा समाप्त कर रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए इन द एंड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्या है। जब हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था इधर इसकी साइकिल है, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस में हमने क्या पढ़ा था कि ग्लूकोज जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है, मेटाबोलाइज हो जाता है पाइरूवेट में, ठीक है। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एटीपी जनरेट होती है, ठीक है। तो ये एटीपी तो जनरेट होती है जो बॉडी सेल में हमारी बॉडी में यूज होती है टू परफॉर्म डिफरेंट वर्क। लेकिन जो पाइरूवेट होता है, सब अपने माइक बंद कर दें, जो पाइरूवेट जनरेट होता है वो उसका क्या होता है, वो डीकार्बोक्सीलेट हो जाता है, मीन्स उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है एंड इट कन्वर्ट इनटू एसिटाइल कोए, सही। देन दिस एसिटाइल कोए एंटर इन द क्रैब्स साइकिल एंड आफ्टर डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो कि यहाँ सब नजर आ रहे हैं, दीज आर दी इंटरमीडिएट अल्फा कीटोग्लुटरेट एंड देन इट्स कन्वर्ट इनटू सक्सिनेट एंड देन सक्सिनेट कन्वर्ट इनटू ऑक्सिलोसिटेट एंड देन सिट्रेट एंड लाइक दैट। सो दिस इज आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन क्रैब्स साइकिल अगेन बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन आवर प्रीवियस लेक्चर। बट यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि जो ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस में पाइरूवेट बना है, ये पाइरूवेट जाके ये ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हो रहा है, ये दिस इज अ सेल, अज्यूम दैट दिस पिक्चर इज अ सेल, ठीक है। सेल का जो इनसाइड है साइटोसोल, ये साइटोसोल में ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है,
ठीक है, तो साइटोसोल में ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस हुआ, ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस हुआ और पाइरूवेट जनरेट हो गया। पाइरूवेट में से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ और वो एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो गया, और वो एसिटाइल कोए कहाँ एंटर हो गया, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। इस पिक्चर में ये जो हमें दूसरी पिक्चर नजर आ रही है हल्की सी लाइट ब्राउन कलर की, दिस इज अ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये जो होता है पाइरूवेट एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होने के बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हो जाता है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहाँ एंटर हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में। ठीक है, तो ये सारी मैम आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। अच्छा ठीक है, हेलो, यस मैम। तो माइटोकॉन्ड्रिया, अच्छा इस ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन को समझने के लिए हम सब ये सारी चीजें समझ रहे हैं। ठीक है, और दूसरा इसको समझने के लिए हमें सेल का कंपार्टमेंट भी समझना जरूरी है और माइटोकॉन्ड्रिया के कंपार्टमेंट भी। तो ये जैसे हमें यहाँ पर वी आर सी इन अ पिक्चर मीन्स लाइट ब्राउन कलर, दिस इज अ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के भी तीन कंपार्टमेंट होते हैं, टू एंड थ्री कंपार्टमेंट होते हैं। वन होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो एग्जैक्टली बिल्कुल सेंटर में होता है। ठीक है, जहाँ क्रैब्स साइकिल होती है। ठीक है, तो ये जिस एसिटाइल को एंटर होता है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर होता है। ठीक है, और सिट्रिक एसिड साइकिल जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है सिट्रिक एसिड साइकिल। अब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ये सेंटर में जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया की, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया की टू मेम्ब्रेन होती है, एक इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। सबको ये मेरे कल्चर नजर आ रहा होगा ना, कल्चर तो सबको नजर आ रहा है ना, मैं कहाँ कहाँ कल्चर रख रही हूँ। हेलो, सबको कल्चर नजर आ रहा है, मैं माउस कहाँ पर कहाँ रख रही हूँ, माउस कल्चर माउस नजर आ रहा है आपको, तो खैर एनीवेज आप लोग को समझ में आ रही। हेलो, हाँ तो यस मैम। अच्छा ठीक है ठीक है, बस ये जो जहाँ जहाँ मैं माउस रख रही हूँ उसको फोकस करें आप लोग। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन होती है, एक इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ये। ठीक है, और ये है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और ये है दोनों मेम्ब्रेन के बीच में होती है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, कि मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होती है वो होती है। ठीक है, और ये पूरा माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रियल की मैट्रिक्स के इनसाइड और आउटसाइड है, मींस आउटसाइड क्या है, साइटोसोल है। ठीक है, तो ये जो एसिटाइल कोए है, ग्लाइकोलिसिस हो गया साइटोसोल में। ठीक, और साइटोसोल में ग्लाइकोलिसिस हुआ, ग्लूकोज से पाइरूवेट बना, देन पाइरूवेट की डीकार्बोक्सिलेशन हुई, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ, और देन ये एंटर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होने के बाद ये क्या बन गया, एसिटाइल कोए। ठीक है, एसिटाइल कोए एंटर हो गया माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्रैब्स साइकिल में एंटर हो गया। ठीक है, एसिटाइल कोए एंड एसिटाइल कोए विल मींस गो थ्रू विल बी गोन थ्रू डिफरेंट मींस मैम रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई है। हेलो जी, सो एसिटाइल को ए डिफरेंट सीरीज ऑफ रिएक्शन से गुजरने के बाद, ठीक है, जब डिफरेंट सीरीज ऑफ रिएक्शन से एसिटाइल को ए विल गो थ्रू, सो देन आखिर में क्या होगा, देन अगेन मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी जब हम क्रैब्स साइकिल पढ़ रहे थे तो मैंने यही बताया था कि सिट्रिक एसिड साइकिल इज अ साइकिल। Why we are seeing this cycle? Because जो acetyl CoA enter होगा Krebs cycle में और different reaction से reaction करेगा, ठीक है, और different metabolic product बनाएगा, तो उसके बाद हमें जो last metabolic product बनेगा वो again जो है दोबारा इस दोबारा different इन्हीं reaction से गुजरेगा जो कि पहले हो चुके हैं इसमें।
फिर देन अगेन एक सेकंड बनाएगा तो व्हाई आई एम डिस्कसिंग हियर दिस सिट्रिक एसिड साइकिल व्हाट इज द नीड टू डिस्कस हियर सिट्रिक एसिड साइकिल बिकॉज़ आई हैव नीड टू inform you or I have need to discuss with you that kya hota hai ki jab ye acetyl ko ek hi metabolism hoti hai citric acid cycle mein to kya hota hai ATP generate hoti hai theek hai NADH generate hota hai yahan hum dekhte hain citrate se alpha ketoglutarate jab convert hua citrate alpha ketoglutarate mein to kya hua one NADH mein कन्वर्ट हो गया ठीक है और क्या हुआ है यहाँ पर जब सक्सिनेट कन्वर्ट हुआ है फ्यूमरेट में तो एक एसएडी एक एसएडीएचटू में कन्वर्ट हुआ है तो हम लोग क्यों दोबारा यहाँ पर सिट्रिक एसिड साइकिल में आपको बता रही हूँ जिसको सिट्रिक एसिड साइकिल समझ में नहीं आई वो पिछले लेक्चर्स में से जाके देख ले लेकिन यहाँ पर मैं क्यों इसको ब्रीफली सम अप कर रही हूँ क्योंकि ये जो सिट्रिक एसिड साइकिल में NADH और NFADH2 जनरेट हो रहे हैं दीज आर दी प्रीकर्सर टू इनिशिएट दिस ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन और टू इनिशिएट दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो ये सारा होल आइडिया था कि हमने क्यों दोबारा से ग्लाइकोलाइसिस पढ़ी है फिर हमने दोबारा से क्यों सिट्रिक एसिड साइकिल के बारे में थोड़ा सा सम अप किया है ठीक है अब ये यहाँ पर हमने पढ़ लिया ये क्रैब साइकिल में एसिटाइल कोए एंटर हुआ इसने डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन से ये गुजरा है इसकी गुजरने के बाद हमें क्या मिला है एज अ बाय प्रोडक्ट और एज अ बाय प्रोडक्ट हमें क्या मिला है NADH मिला है एंड FADH2 मिला है ये NADH और ये FADH2 किधर जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ठीक है ये तो सिट्रिक माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होते हैं ना तो ये क्रैब साइकिल होते रहती है इस still going on ठीक है और ये NADH and FADH2 ये दोनों जनरेट होते रहते हैं तो क्या होता है ये NADH2 and FADH2 and NADH क्या करते हैं फिर they involve in oxidative phosphorylation they involve in electron transport chain और electron transport chain कहाँ होती है this inner mitochondrial membrane में होती है ठीक है तो ये electron transport chain क्या होती है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होती है ये अब हम आगे पढ़ते हैं ठीक तो इतना था ये यहाँ से बताने का मतलब ये था अब ये देखें कि दिस इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन व्हाट इज दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट जो NADH और FADH2 हम यहाँ पर देख रहे हैं देखें यहाँ पर ये है NADH एंड ये है FADH2 ठीक है ये कहाँ से हुए थे जनरेट सिट्रिक एसिड साइकिल से हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ठीक है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन और यू कैन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज अ प्रोसेस इन दैट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस NADH एंड FADH2 ठीक है शटर्ड थ्रू डिफरेंट एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस that are embedded in the inner mitochondrial membrane and then they generate energy ठीक है in the form of ATP तो ये किस तरह से सब होता है ये हम आगे पढ़ेंगे लेकिन brief जो है electron transport chain की definition वो ये है कि electron transport chain में क्या होता है कि NADH और FADH2 जो से जो इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं वो ये डिफरेंट जो है एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होते हैं ठीक है उनसे वो शटल्ड होते हैं मतलब ट्रांसपोर्ट होते हैं एक प्रोटीन इलेक्ट्रॉन दूसरे प्रोटीन को ट्रांसफर कर देती है एंड दूसरी तीसरे को एंड सो ऑन और इस तरह फाइनली ये रीच पहुंच जाते हैं एक फाइनल प्रोटीन होती है जो कि ATP सिंथेस ठीक है so then this ATP synthase synthesizes ATP from ADP so this is the electron transport chain अब यहाँ पर हम देखते हैं ये देखें पिछली हमें तस्वीर में पिछली वाली पिक्चर में हम लोग दोबारा आ गए तो this is the electron transport chain ये जो inner mitochondrial membrane होती है इसमें different enzyme complexes होते हैं enzyme means protein होते हैं protein complexes जो कि act करते हैं as a enzyme ठीक है तो ये क्या कहते हैं ये जिस ये इलेक्ट्रॉन
यहाँ आ जाते हैं, ठीक है, ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है, तो ये शटल होते हैं फ्रॉम वन प्रोटीन टू अनदर प्रोटीन एंड फाइनली ये आखिरी वाली जो प्रोटीन होती है एटीपी सिंथेस यहाँ पर आते हैं और यहाँ आकर ये टेक पार्ट करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम एटीपी। तो अब ये सब किस तरह होता है हम ये आगे वाली स्लाइड में देखेंगे, ये बस आपको ये समझना है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्या होती है। दिस इज द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, व्हाई, बिकॉज इसमें यहाँ से जब NADH एंड FADH2 से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं डिफरेंट एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस में, ठीक है, तो क्या होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के थ्रू, ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के थ्रू, जस्ट वेट अ मिनट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं यहाँ ऑक्सीडेशन की वजह से, ठीक है, आखिर में यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन होती है। ये वाला भी कॉन्सेप्ट आखिर में हमारा क्लियर हो जाएगा, बस आपको यहाँ पर इतना याद रखना है कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, कि NADH एंड FADH2 से जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए वो शटल हुए एंड देन उन्होंने एटीपी सिंथेसाइज की। अब हम इस हम हमें इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना है कि कौन कौन से एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस काम करते हैं इसके लिए। तो दिस इज द पिक्चर ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है, जो हमने कहा के लिए है ये मैं यहाँ पर शो कर दूँ, दिस इज, तो ये वाली जो पिक्चर है अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर आगे एलेबोरेट करके पढ़ रहे हैं। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है और इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में डिफरेंट एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस हैं। अब यहाँ हम इस एंजाइम कॉम्प्लेक्स की, नहीं आवाज बहुत स्लो है आपकी, हेलो आवाज आ रही है मैम, बहुत स्लो आ रही है, यहाँ कोई प्रॉब्लम है इसमें माइक में, मैं ठीक कर लूंगी अभी, लेकिन आप लोग कोशिश करेंगे अगर मैं इसको कुछ करूंगी तो ये कुछ गलत ना जाए। हेलो अब आ रही है, हेलो हेलो, यस मैम, अब ठीक है, यस मैम आ रही, यस मैम, नहीं नहीं ठीक है मैम, जब लेक्चर कंटिन्यू होता है ना फिर स्लो आ रही होती है, अभी आप कह रही है ना तो अब ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है, यस मैम अब ठीक है। अच्छा अब देखें, अब सबको समझ में आ गया ना कि ये कौन सी पिक्चर है, ये पिक्चर है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की, ठीक है, उधर हमने देखा था यहाँ पर ये है, ये वाली पिक्चर, इसको अब हम एलेबोरेट करके पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ हमने इस पिक्चर में ये जो डिफरेंट एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले उनको समझना जरूरी है बिफोर अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की पिक्चर है, इसमें क्या होता है डिफरेंट एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस क्या मीन्स कॉम्प्लेक्स ऑफ मोर देन मीन्स टू थ्री एंजाइम्स एंड दीज आर द प्रोटीन दैट एक्ट एज एन एंजाइम। व्हाट इज एंजाइम, एंजाइम इज अ मीन्स प्रोटीन दैट कैटालाइजेस द रिएक्शन, ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला कॉम्प्लेक्स है उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स वन। ये क्या है, इसका नाम क्या है, ये क्या करता है और इसका नाम क्या है, इसका नाम है इस कॉम्प्लेक्स का NADH डिहाइड्रोजनेज, ठीक है, तो जिस तरह इसके नाम से इंडिकेट हो रहा है कि ये है NADH डिहाइड्रोजनेज, तो ये क्या करेगा हम जाके आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है कि कॉम्प्लेक्स वन जो है वो NADH डिहाइड्रोजनेज है, ठीक है, फिर एक दूसरा कॉम्प्लेक्स होता है जो कि कॉम्प्लेक्स टू है, वो है सक्सिनेटरी हाइड्रोजनेज एंड देन तीसरा कॉम्प्लेक्स जो है थर्ड कॉम्प्लेक्स वो है साइटोक्रोम बी, ठीक है, दिस कॉम्प्लेक्स फोर है वो साइटोक्रोम ए है एंड देन कॉम्प्लेक्स फोर है जो कि कॉम्प्लेक्स फोर है वन टू थ्री साइटोक्रोम बी, कॉम्प्लेक्स वन है NADH डिहाइड्रोजनेज, कॉम्प्लेक्स टू है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, कॉम्प्लेक्स थ्री है साइटोक्रोम बी, कॉम्प्लेक्स फोर है साइटोक्रोम ए एंड कॉम्प्लेक्स फाइव है एटीपी सिंथेस, ठीक है, तो दीज आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस दैट आर प्रेजेंट इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन।
और ये क्या करते हैं, शटल करते हैं इलेक्ट्रॉन को, जो कि कहाँ से आता है, NADH और SADH से आता है, और आखिर में शटल करने के बाद ये यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है NADH SADH से, इसको ये शटल करते हैं। शटल मीन्स क्या, कि ये पास ऑन कर देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को। तो ये पास ऑन होता है आफ्टर डिफरेंट केमिकल रिएक्शन, आखिर में ये पहुंचता है एटीपी सिंथेस, ठीक है, जो कि एक एंजाइम है, दिस इज आल्सो अ प्रोटीन एंजाइम। देन दिस प्रोटीन एंजाइम कैटलाइज द सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी। तो ये किस तरह होता है, अब यहाँ हम देखेंगे जो मैकेनिज्म है। तो अब मैकेनिज्म क्या है, व्हाट इज इट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड हाउ इट इज गोइंग ऑपरेटिंग प्लेस इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, एंड व्हाट इज दिस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, एंड व्हाट इज दिस होल साइकिल। तो अब यहाँ हम ये देखेंगे, अब ये देखेंगे, दिस इज द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये सेम वही पिक्चर है जो हमने अभी इधर देखी है, ठीक है, यही वाली पिक्चर है। ये वाली पिक्चर इसमें थी कि आपको मैं अलग अलग से बताना चाह रही थी कि कौन सा कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे, ये कॉम्प्लेक्स सारे एंजाइम कॉम्प्लेक्स वही हैं, वही इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ठीक है, लेकिन अब ये कॉम्प्लेक्स किस तरह से रिएक्शन करेंगे, किस तरह से इलेक्ट्रॉन को शटल करेंगे, और किस तरह से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ पर से ग्रोथ होगी, ये हम यहाँ पर करेंगे। तो क्या होता है, अब आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि NADH और SADH में कहाँ से आए, ठीक है, वो आए कहाँ से, क्रैब साइकिल से, ठीक है। और ये क्या है, ये सारा इस ये जो जहाँ मैंने कल्चर रखा हुआ है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, और जहाँ पर NADH और SADH2 है, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये NADH और SADH2 जनरेट हुए वाया द क्रैब साइकिल, और ये क्या होता है, जो NADH जनरेट होता है, इस NADH के पास इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और प्रोटॉन भी होते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम जो होते हैं वो प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये NADH जब कम इनटू कांटेक्ट विद दिस कॉम्प्लेक्स वन, क्या नाम था इस कॉम्प्लेक्स वन का, NADH डीहाइड्रोजनेज। व्हेनेवर देयर इज अ नेम ऑफ एंजाइम डीहाइड्रोजनेज, इट मींस इट विल रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सट्रेट, ठीक है। डीहाइड्रोजनेज एंजाइम क्या करता है, हाइड्रोजन को रिमूव करता है किसी सब्सट्रेट में से। तो अभी सब्सट्रेट कौन सा है, ये सब्सट्रेट है NADH, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन है, और ये जो कॉम्प्लेक्स वन है, ये NADH डीहाइड्रोजनेज है, इसका काम ही है, इसको जो भी सब्सट्रेट मिलेगा जिसमें हाइड्रोजन होगा, उसमें से ये हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, ठीक है। तो ये NADH है, ये जब आएगा कम इनटू कॉन्टेक्ट कॉम्प्लेक्स वन, दैट इज NADH डीहाइड्रोजनेज, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन इसमें से रिमूव हो जाएगा, ठीक है, NADH में से। तो ये NADH क्या बन जाएगा, NAD, ठीक है। तो ये NAD बन जाएगा और हाइड्रोजन रिमूव हो गया, जो हाइड्रोजन रिमूव हो गया वो इधर है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोटॉन, ठीक। और ये जो NADH है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी और प्रोटॉन भी है, तो प्रोटॉन तो अलग हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो अलग हो गया इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अब क्या हुआ, इसके अंदर बचा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा ना NADH के पास, वो कैचअप कर लेगा दिस NADH डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स वन, जिसको हम कॉम्प्लेक्स वन कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटॉन जब इसके पास आ जाएगा कॉम्प्लेक्स वन के पास, तो ये जो इलेक्ट्रॉन सॉरी जब ये इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स वन के पास आ जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स वन चार्ज हो जाएगा, यानी कि इसके पास एनर्जी आ जाएगी, पावर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके पास जब ये पावर आ जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पर जितने भी प्रोटॉन होंगे, ये प्रोटॉन कहाँ से आए, ठीक है, ये प्रोटॉन इसी तरह आए, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ एक उसकी एग्जांपल देख रहे हैं NADH की, बट इट इज़ नॉट द ट्रू पिक्चर। यहाँ पर जब भी सिट्रिक एसिड साइकिल होगी या बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, तो उसमें कोई कोई एक एक सब्सट्रेट ही होता, मैनी मैनी होते हैं, मिलियंस मिलियंस होते हैं। तो अभी हमने अभी हमें अपनी आसानी के लिए एक देखा, यहाँ पर बहुत सारे NADH होंगे, तो जब बहुत सारे NADH होंगे और NADH डीहाइड्रोजनेज बहुत सारे NADH में से प्रोटॉन को रिमूव कर देगा, तो यहाँ पर मैनी प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है। तो मैनी प्रोटॉन्स हैं यहाँ पर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और मैनी इलेक्ट्रॉन चले गए हैं कॉम्प्लेक्स वन के पास,
तो कॉम्प्लेक्स वन क्या होगा, चार्ज हो गया. जब ये चार्ज हो गया हो जाएगा तो ये क्या करेगा कि जो ये यहाँ पर प्रोटॉन होंगे इनर माइटो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ये पंप हो जाएंगे आउट ऑफ इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. ठीक है, जरा होल्ड कीजिएगा, मैं आती हूँ. हाँ, तो इतना सबको समझ में आ गया होगा आई एम श्योर. आई एम सॉरी, वैसे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है तो थोड़ा सा आवाज है. खैर, तो ये हुआ है यहाँ पर कि प्रोटॉन जो होंगे कॉम्प्लेक्स वन में, प्रोटॉन जो है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पंप कर दिए वाया इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन ने कॉम्प्लेक्स वन ने प्रोटॉन पंप कर दिया आफ्टर आफ्टर गेटिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस आफ्टर चार्जिंग अप इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है. ठीक है, और उसके पास चार्ज है तो उसके पास मींस क्या कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी है उसके पास ना, मींस एनर्जी उसके पास इलेक्ट्रॉन के पास. तो जब इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स वन में आ गए हैं तो इसका मतलब है कि ये इसके पास ज़्यादा पावर है. ठीक है, तो ये पावर इसने कहाँ इस्तेमाल की, प्रोटॉन को पंप करने के लिए. अब प्रोटॉन तो यहाँ से पंप हो गए. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन तो कॉम्प्लेक्स वन के पास है तो कॉम्प्लेक्स वन प्रोटॉन को पंप करने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा क्यू कोएंजाइम क्यूब. अच्छा, जो हमने पिछले डायग्राम पढ़ी है ये वाली, इसमें हमने ये कॉम्प्लेक्सेस पढ़े हैं पांच. तो यहाँ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेज में जो इन्वॉल्व होते हैं, और दो ये स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं, एक को कहते हैं कोएंजाइम क्यूब. ठीक है, और एक को कहते हैं साइटोक्रोम सी. ठीक है, दीज आर ऑल्सो इन्वॉल्व फॉर शटलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं अब यहाँ देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स वन ने क्या किया था, कि कॉम्प्लेक्स वन में चार्ज होने के बाद प्रोटॉन तो पंप कर दिए हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे हैं उसने क्या किया है, कोएंजाइम क्यू को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए. ठीक है, अब इतना इसने कॉम्प्लेक्स वन में का काम सिर्फ इतना है. ठीक है, कि उसको प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन को गेन करना है NADH से, और क्या करना है, प्रोटॉन को पंप करना है इन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. अब कॉम्प्लेक्स वन का काम खत्म हो गया. अब क्या है, अब कॉम्प्लेक्स टू का काम शुरू हुआ है. कॉम्प्लेक्स टू क्या करेगा कि जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में FADH2 होंगे, ठीक है, उनसे इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा और क्या करेगा, FADH2 को FAD में कन्वर्ट कर देगा. कॉम्प्लेक्स टू क्या था, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज. Dehydrogenase enzyme, what it does, it remove hydrogen from the substrate. So, इस जो complex 2 है enzyme, इसका substrate कौन सा है, FADH2. Hello, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हेलो, यस मैम, आवाज आ रही है. तो अब आप लोगों को इतना समझ में आया है जो अभी तक मैंने समझाया है? हेलो हेलो मैम. अच्छा, तो अब क्या होगा, अब कॉम्प्लेक्स जो टू है उसका काम शुरू हुआ. कॉम्प्लेक्स टू क्या करेगा, FADH2 में से इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेगा. FADH2 में से इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके ये कॉम्प्लेक्स टू भी चार्ज हो जाएगा. ठीक है, एंड देन कॉम्प्लेक्स टू क्या करेगा, FADH2 में से इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा और क्या करेगा, ये कॉम्प्लेक्स टू जो है वो डिहाइड्रोजनेज से यानी कि ये रिमूव कराएगा
हाइड्रोजन को FADH2 में से, जब हाइड्रोजन FADH2 में से रिमूव होगा तो ये FAD में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये FAD में कन्वर्ट हो गया, उसका प्रोटॉन और हाइड्रोजन कहाँ गया, रिलीज हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ठीक है। तो अब ये जो कॉम्प्लेक्स 2 है, इसने FADH2 से इलेक्ट्रॉन लिया है एंड एंड प्रोटॉन को रिमूव कराया है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ये कॉम्प्लेक्स 2 के पास जो इलेक्ट्रॉन आया है, कॉम्प्लेक्स 2 FADH2 से इलेक्ट्रॉन लेके कोएंजाइम Q को शटल कर देगा, ठीक है, ट्रांसफर कर देगा। कोएंजाइम Q व्हाट, कोएंजाइम Q क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 से आए हैं, कॉम्प्लेक्स 2 से आए हैं, उन दोनों इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 3 को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स 3 ने दोनों जगह से कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 दोनों के इलेक्ट्रॉन आए हैं, मीन्स अगर दो इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 के थे तो दो इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 2 के थे, तो कॉम्प्लेक्स 3 के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, मीन्स ज़्यादा पहुंचेंगे एज कम्पेयर टू कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2। तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स 3 जो है वो मोर चार्ज हो जाएगा एज कम्पेयर टू कॉम्प्लेक्स 1, ठीक है। तो ये हाईली चार्ज और हाई इसको एनर्जी मिल जाएगी, इससे क्या होगा, ये जितने भी प्रोटॉन होंगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में उनको पंप कर देगा आउटसाइड, ठीक है। तो ये काम है कॉम्प्लेक्स 3 का। कॉम्प्लेक्स 3 क्या करेगा, जितने भी प्रोटॉन होंगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में उनको इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पंप आउट कर देगा, और जो इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे पंप आउट करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम सी को शटल कर देगा। साइटोक्रोम सी क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 4 को मीन्स ट्रांसफर कर देगा। कॉम्प्लेक्स 4 जो है वो भी चार्ज हो जाएगा, बट लेस चार्ज एज कम्पेयर टू कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4, क्योंकि कॉम्प्लेक्स 3 ने के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन आए थे उसने वो यूटिलाइज किए हैं प्रोटॉन को पम आउट करने में बाहर, ठीक है। तो उसके पास कम इलेक्ट्रॉन बचे, तो कम इलेक्ट्रॉन उसने साइटोक्रोम सी को दिए एंड साइटोक्रोम सी ने कम इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 4 को ट्रांसफर किए, एंड देन जब कॉम्प्लेक्स 4 चार्ज होएगा तो ये भी प्रोटॉन को आउटसाइड दी मीन्स इन दी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पम आउट कर देगा, ठीक है। तो ये पम्प आउट होने के बाद अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से चलना शुरू हुए थे, NADH से एंड FADH2 से, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1 से एंड कॉम्प्लेक्स 2 से। तो ये शटल हुए वन कॉम्प्लेक्स टू अदर कॉम्प्लेक्स एंड देन दे रीचेस टू दी कॉम्प्लेक्स 4, ठीक है। तो अब क्या हो गया, यहाँ पर ये सारे इलेक्ट्रॉन जो शटल हुए कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 4 तक, इन्होंने क्या किया है, जितने भी प्रोटॉन मैट्रिक्स में थे माइटोकॉन्ड्रिया के उनको बाहर पंप आउट किया है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। तो इसकी वजह से क्या होगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में मोर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो जब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में मोर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, हम यहाँ मैं पीछे किस तरह अगर जाऊँ तो आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊँ, देखिए ये है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और ये है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस यहाँ पर। तो इधर जो है वो प्रोटॉन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे बीच में, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में। तो जब प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट इस्टेब्लिश हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्या होता है, मीन्स देयर विल बी मोर मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो क्या होगा उसकी वजह से, ऑलवेज आप लोगों को पता है कि जो चार्ज या केमिकल्स होते हैं वो ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन विदाउट दी हेल्प ऑफ एनर्जी। अगर कोई भी चार्ज और कोई भी आयन लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे तो उसके लिए उनको एनर्जी चाहिएगी इन द फॉर्म ऑफ ATP, वो ATP को यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। बट इन दिस केस जो हम यहाँ देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास आयन्स हैं जिनकी कंसंट्रेशन आउटसाइड इन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ज़्यादा है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम कॉम्प्लेक्स दैट वी आर सेइंग हियर ATP सिंथेज, इसकी हेल्प से ये जितने भी प्रोटॉन हैं सेलेक्टिवली एंटर हो जाएंगे इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में,
ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जब ये एंटर होंगे, सही, तो ये जितने भी प्रोटॉन है इनके पास चार्ज है, इनके पास एनर्जी है, तो ये जो एनर्जी यूटिलाइज होगी यहाँ पर प्रोटॉन की, वो कंबाइन करेगी एक फॉस्फेट ग्रुप को एक एडीपी से, ठीक है। एडीपी क्या है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, इसके पास दो फॉस्फेट ग्रुप हैं जैसे यहाँ पर नजर आ रहा है टू सर्कल। तो ये जो प्रोटॉन की एनर्जी यूटिलाइज हुई है, ये क्या करेगी, प्रोटॉन जो अंदर आए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, इन्होंने क्या किया, इन प्रोटॉन के पास जो एनर्जी है उस एनर्जी ने हेल्प किए टू मेक अ बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट ग्रुप एंड एडीपी। तो जब ये फॉस्फेट ग्रुप एंड एडीपी के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो दिस एडीपी विल कन्वर्ट इनटू एटीपी। यहाँ देखिए बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो वो व्हाट इज दिस, दिस इज एटीपी इज अ हाई एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल। तो क्या हुआ है इस प्रोसेस में, क्या हुआ है, दिस एटीपी सिंथेसिस ने हेल्प किए एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करने की, सही। तो इन द एंड क्या हुआ, इन द एंड क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन शटल हुए थे, जो इलेक्ट्रॉन फॉर्म हुए थे NADH से और SADH से, और देन दे इलेक्ट्रॉन शटल फॉर्म डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस, दे रीचेस फाइनली टू एटीपी सिंथेसिस, एंड एटीपी सिंथेसिस ने क्या किया था, दे रीचेस फाइनली कॉम्प्लेक्स फोर। कॉम्प्लेक्स फोर के पास पहुंचने के बाद क्या हुआ था, जितने भी प्रोटॉन बाहर पंप हुए थे इलेक्ट्रॉन की वजह से, ये प्रोटॉन एटीपी सिंथेसिस के थ्रू एंटर हुए दोबारा, सही, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो जब ये एंटर हुए दोबारा, तो इन्होंने क्या किया, एडीपी को कन्वर्ट किया एटीपी में, सही। और ये जो है एटीपी सिंथेसिस, ये व्हाट इज दिस सिंथेसिस, ये सिंथेसिस इज एन एंजाइम, एंड व्हेनेवर देयर इज अ नेम ऑफ सिंथेसिस विद एन एंजाइम और an enzyme that is having the name of synthase, what does it mean, it means it is synthesizing a molecule from by combining two molecules. So is synthase mein kya kiya, isko hum synthase kyun keh rahe hain, kyunki isne atp ko adp ko combine kiya hai phosphate ke sath aur produce kiya hai atp, theek hai। ab hum yahan par ye dekhte hain, this was the whole electron transport chain, kis tarah se fad aur nads se प्रोटॉन जनरेट हुए, इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए, किसी तरह वो इलेक्ट्रॉन शटल हुए, ठीक है, और किस तरह उन्होंने एटीपी सिंथेसाइज की। सो द प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रॉन जनरेट फ्रॉम एनएडीएच एंड एफएडीएच टू, एंड दीज इलेक्ट्रॉन शटल फ्रॉम डिफरेंट एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस एम्बेडेड इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड यूज फॉर द फॉर्मेशन और फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इज फ्रॉम एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये हो गई डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, जिसमें FADH एंड NADH2 से इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं, जो कि डिफरेंट एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस से मूव करते हुए आखिर में एटीपी सिंथेसिस के पास पहुंचते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम एडीपी से, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये प्रोसेस होता है। अब हम इसे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन क्यों कहते हैं, हम यहाँ पर ये देखेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, ऑक्सीडेटिव means oxidation reaction, phosphorylation means there is something happening that is doing phosphorylation। तो हम ये देखते हैं कि इस process को हम oxidative phosphorylation क्यों कहते हैं। अब यहाँ देखिए, जब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से में NADH और FADH2 generate हुआ था Krebs cycle से, ठीक है। तो ये NADH क्या कहा था मैंने, come into contact with कॉम्प्लेक्स वन, दैट इज NADH डिहाइड्रोजनेज, सही। तो क्या हुआ, इस NADH डिहाइड्रोजनेज ने इस NADH की ऑक्सीडेशन कर दी, ठीक है। व्हाट ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ और ये NADP में कन्वर्ट हो गया। व्हाट डज इट मीन, कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन का रिएक्शन हुआ है। सिमिलरली विथ FADH2, जब FADH2 सक्सीनेज डिहाइड्रोजनेज के पास पहुँचा, तो सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज ने क्या किया, FADH2 की ऑक्सीडेशन कर दी, ठीक है। और ऑक्सीडेशन के बाद ये FADH2 FAD में कन्वर्ट हो गया, वन मीन्स हाइड्रोजन इसमें से रिमूव हो गया। तो कौन से रिएक्शन यहाँ हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक। ये ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या हुआ है, ये ऑक्सीडेशन होने के बाद जो प्रोटॉन रिमूव हुआ है, वो प्रोटॉन पंप हो गए बाहर,
सही, और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इन्वॉल्व हो गए एटीपी बनाने के लिए. और क्या हुआ यहाँ पर, सिर्फ ये प्रोटॉन तो नहीं होंगे, बहुत सारे मिलियंस और मिलियंस प्रोटॉन होंगे, ठीक है, मिलियंस और मिलियंस हाइड्रोजन होंगे. तो इनमें क्या होता है, फ्यू प्रोटॉन जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल टू फ्री प्रोटॉन आयन कंबाइन करते हैं इलेक्ट्रॉन से जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं. सही, और क्या होता है फिर उसके बाद वो हाफ ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होने के बाद वो वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है. और ये दिस रिएक्शन जो यहाँ पर हो रहा है NADH एंड FADH2, किस तरह से कौन सा रिएक्शन करवा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं. ऑक्सीडेशन करवाने के बाद क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं, प्रोटॉन रिमूव हो रहे हैं. जो प्रोटॉन रिमूव हो रहे हैं वो दोबारा इलेक्ट्रॉन से कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल जनरेट कर रहे हैं, एंड जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं ऑक्सीडेशन के बाद वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से शटल होके एटीपी सिंथेस के पास पहुंच रहे हैं और एडीपी को कन्वर्ट कर रहे हैं एटीपी में. मीन समहाउ दीज ऑक्सीडेशन जो यहाँ पर हो रही है, इट इज इन्वॉल्व फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी वाया द प्रोसेस ऑफ फास्फोरिलेशन. सो दिस इज वाई वी से दैट दिस इज द ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन. मीन्स क्या कि ऑक्सीडेशन की वजह से फास्फोरिलेशन हो रही है, जो कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये NADH एंड FADH2 की ऑक्सीडेशन है. ऑक्सीडेशन से जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए वो दीज एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस से शटल हुए, ठीक है. शटल होने के बाद वो दिस एंजाइम कॉम्प्लेक्स दैट इज एटीपी सिंथेस इसके पास पहुंचे, और इसको इसके पास पहुंचने के बाद क्या हुआ, इन्होंने प्रोटॉन जो है कॉम्प्लेक्स फोर के पास पहुंचे, और कॉम्प्लेक्स फोर के पास पहुंचने के बाद क्या हुआ कि मोर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन इन द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इसकी वजह से जो है ये एटीपी सिंथेस को जब इट कम टू नो दैट देयर इज अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन इन द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, तो इस एटीपी सिंथेस ने ट्रांसफर कर दिया ये प्रोटॉन इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, एंड देन दिस प्रोटॉन इन्वॉल्व and utilized for the production of energy from ADP. And this proton, in proton ने क्या help की for the addition of phosphate group with ADP. तो हमने phosphorylation के chapter में पहले भी पढ़ा था, और अभी भी मैं ये clear कर दूँ, whenever phosphate group combined with a substrate, so हम इस process को कहते हैं phosphorylation. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ऑक्सीडेशन के रिएक्शंस हुए थे और उसकी वजह से जो प्रोटॉन जनरेट हुए थे और इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए थे और प्रोटॉन बाहर पंप हुए थे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, उसकी वजह से क्या हुआ था, इन द एंड यहाँ पर फॉस्फेट की एडिशन हो रही है एक सब्सट्रेट में, यानी कि फास्फोराइलेशन हो रही है. ठीक है, तो ऑक्सीडेशन की वजह से फास्फोराइलेशन हो रही है, इसलिए इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन. तो आई होप आप लोगों को ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा. अब आगे हम देखते हैं क्या है आगे ये देखें, जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, अच्छा मुझे ये बताएं ये यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन क्या होता है, मुझे कोई सम अप करे, जिसको किसी को समझ में आया है पूरा. यस, सो हम लोग ये बात कर रहे थे जिसमें लाइन डिस्कनेक्ट हो गए थे, आई एम सॉरी. तो हम लोग ये बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का सबसे इम्पोर्टेंस क्या है, दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज इन्वॉल्व फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी, एंड देन ये इसकी इम्पॉर्टेंस है, बट इट इज ऑल्सो हैविंग अ ड्रॉबैक. एंड वॉट इज द ड्रॉबैक ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्या ड्रॉबैक है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब इलेक्ट्रॉन NADH की ऑक्सीडेशन होती है तो क्या होता है कि डिफरेंट फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, इन द बॉडी. So you free radicals, for example, we can see here when NADH oxidized by complex 1, that is NADH dehydrogenase. And
So it produces superoxide, an ion. So this is a free radical. So free radicals are important in our body, or they may not be important in our body, because free radical, although they are ये बहुत सारे हमारे body के signaling pathways हैं, जैसे हमारे body में beneficial pathways होते हैं जो growth metabolism के लिए involved होते हैं, उसमें भी involved होते हैं, but अगर इनकी concentration अगर ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है कि इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से फ्री रेडिकल की डिसरेगुलेशन हो जाती है बॉडी में मेटाबॉलिक पाथवेज की. ठीक है, फॉर एग्जांपल एक पाथवे होता है हमारी बॉडी में फॉर द ग्रोथ ऑफ द सेल इज द मेथाइनेज पाथवे. सो अगर बॉडी में दैट पाथवे की डिसरेगुलेशन हो जाती है और ड्यू टू दिस फ्री रेडिकल्स, बिकॉज दिस फ्री रेडिकल कैन ऑक्सीडाइज various proteins in our body and modulate their function. So क्या होता है कि cell की proliferation ज़्यादा हो जाती है, so thereby these free radicals are involved for the in the various diseases including the cancer. So अब हमारी body में natural defensive mechanism होता है जो इन free radicals को counteract करता है. ठीक है, ये natural defensive mechanism क्या होता है, these are the different enzymes and molecules, antioxidant enzymes and molecules that are present within our cell, and whenever these free radicals generated in our body, they these enzymes and molecules neutralize these free radicals into other less toxic free radicals or into finally into water. तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कौन कौन से वो enzymes हैं, एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं पहले से मौजूद, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में ये सुपरऑक्साइड एनायन जब जनरेट होते हैं ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, उनको वो किस तरह से कन्वर्ट कर देते हैं ड्यू लेस टॉक्सिक मॉलिक्यूल में और वाटर में. सो हम यहाँ देखते हैं सबसे पहला एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम जो होता है सुपरऑक्साइड डिस्मोटेज 1, ये क्या करता है, दिस इज अ प्रोटीन, दिस इज एन एंजाइम, ये क्या करता है कैटलाइज करता है सुपर ऑक्साइड को इनटू हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में. हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ऑल्दो इज आल्सो अ फ्री रेडिकल, बट ये क्या होता है, दिस इज लेस टॉक्सिक देन दिस सुपर ऑक्साइड. एंड देन देयर इज एन अदर एंटीऑक्सीडेटिव प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट प्रोटीन इन द इनर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस दैट इज GPX1, ग्लूटाथायोन पर ऑक्सीडेज. So this is also an enzyme, it converts this hydrogen peroxide free radical into water. So the thereby these antioxidant enzymes that are present in the mitochondria, both in the intermembrane space and in the mitochondrial matrix, these are involved for the neutralization of this potentially damaging superoxide radical into water. तो बस आपको ये बात याद रखनी है कि इंटर मेम्ब्रेन स्टेट में सुपरऑक्साइड डिस्मोटेज 1 होता है जो कि सुपरऑक्साइड को हाइड्रोजन परऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, और हाइड्रोजन परऑक्साइड को देन वाटर में कन्वर्ट हो जाता है सुपरऑक्साइड ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज से. लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो होता है वो सुपरऑक्साइड डिस्मोटेज 2 होता है जो कि सुपरऑक्साइड डिस्मोटेज 2 होता है जो कि सुपरऑक्साइड को हाइड्रोजन परऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, एंड देन दिस हाइड्रोजन परऑक्साइड कन्वर्ट इनटू वाटर बाय ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज एंजाइम. एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट ड्रग्स, जे ये फॉर एग्जांपल ड्यू टू दिस हाई ड्यू टू दिस रिडक्शन ऑफ रॉस देयर आर these enzymes, antioxidative enzymes that are present naturally in the cell that can utilize these free radicals. But we can use, we have also identified or discovered different drugs that can be used to inhibit this electron transport chain or oxidative phosphorylation. So hum dekhte hain kaun kaun se drugs hain. Rotenone is a one type of a drug. वो क्या करती है, रोटेनॉन वन टाइप ऑफ अ मॉलिक्यूल, और दिस इज आल्सो अ केमिकल एंड इट इज आल्सो अ पेस्टिसाइड. सो दिस रोटेनॉन इज अ इनहिबिटर ऑफ कॉम्प्लेक्स 1 दैट इज एनएडीहाइड्रोजिनेज, एनएडीएच डिहाइड्रोजिनेज. सो इसका इनहिबिटर दिस इज वन टाइप ऑफ अ ड्रग. मेलानोइड इज अ इनहिबिटर ऑफ सक्सिनेज डिहाइड्रोजिनेज दैट इज कॉम्प्लेक्स 2, एंड एक्टिनोमाइसिन
is the inhibitor of complex 3, and the cyanase is the inhibitor of complex 4, and oligomycin is the inhibitor of ATP synthase. So these are the all drugs, although this is that are indicating in orange one and green one, these are also drugs, but I just discussed here the well-known and well-known drugs that are inhibitor of this oxidative phosphorylation. These are also known melonate, actinomycin A, sunit, cyanide, and oligomycin. So this was all about the oxidative phosphorylation and electron transport chain. I hope you have you understand this lecture. So for more understanding of electron transport chain and oxidative phosphorylation, kindly must see my video on this topic. Allah Hafiz.